हेलो एवरीवन, और फिर से मैं आ गई एक न्यू रेसिपी लेके जिसका नाम है भरवा परवल। तो देखिए कैसी लग रही है। तो चलिए इसकी विधि देखती हूँ कैसे बनाया जाता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल के भरवा। तो अगर आप लोग ने देखा हुआ तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए न्यू रेसिपी होगी। तो आइए बनाते हैं कैसे मैं बना रही हूँ। तो ये पहले मैं आइटम दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने लिया है। तो ये परवल लिया है, इसकी स्किन मैंने निकाल ली है। एक मैंने रखा है कि आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने स्किन निकाला है। और फिर यहाँ प्याज लिया है मैंने, और फिर ये मसाला है, सब्जी मसाला, लाल मिर्च है तीखी वाली, नमक है, हल्दी है, ये आपका आमचूर पाउडर है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, इतना है। अभी और कुछ अगर याद लगता है कि हाँ डालना है तो वो आपको रेसिपी बनाऊंगी तो दिखाते जाऊंगी साथ साथ। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए मैंने स्किन कैसे निकाला है तो वो दिखा रही हूँ। चाकू से ऐसे आपको हल्के हल्के हाथों से परवल के ऊपर घिसना है, तो खुद ब खुद जो भी स्ट्रांग होता है, कड़ा होता है, वो निकल जाएगा। परवल की स्किन निकालने के बाद इसको मैंने क्लीन करके रख लिया है, और थोड़ा सा इसमें बीच में चीरा लगाएंगे और अंदर जो भी बीज है उसको निकाल देना है। तो मैंने यहाँ चाकू इस्तेमाल किया है, जो कि ज़्यादा नुकीला नहीं है, थोड़ा सा ये मोटा वाला चाकू है वो यूज किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच से, चाकू से कट लगा के और चम्मच से अंदर का जो भी बीज है वो निकाल लें, और इसके सारे बीज निकाल के इकट्ठा करते जाना है, इसे फेंकना नहीं है। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस बीज का करना क्या है। और सारे परवल को ऐसे ही खाली, और यहाँ मैंने सारे परवल के बीज निकाल लिए हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ। और साइड में जो ट्रे में दिख रहा है वो बीज है, तो आगे देखिए कैसे इसे यूज करती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले फिलिंग बना लेना है, जो कि परवल में अंदर फिल करेंगे, तो उसे बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है, तो ज़्यादा ऑयल यूज नहीं करना है, जितना आपका परवल का क्वांटिटी है। और जो प्याज मैंने आप लोगों को लास्ट में दिखाया था उस हिसाब से इसमें ऑयल मिक्स करना है। तो इसमें मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ, और कुछ इसमें ऐड नहीं करूँगी। फिर डायरेक्ट इसमें मैं प्याज डालूँगी, और प्याज डाल के इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनूंगी, और फिर इसमें मैं डालूंगी जो परवल के बीज निकाल के रखे थे ना वो ऐड करूंगी, और फिर मसाले ऐड करूंगी, जो भी मैंने मसाले आप लोग को दिखाए कि सब्जी मसाला, लाल मिर्च और हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये यूज करूंगी मैं। और फिर इसमें इनको अच्छे से भून लूंगी और फिर इसे निकाल के ठंडा करूंगी। और यहाँ देखें कि मसाले बिल्कुल भून चुके हैं, तो लास्ट में इसमें आमचूर पाउडर डालूंगी मैं, क्योंकि पहले डालती हूँ तो अगर आप भी डालते हो पहले तो वो अच्छे से स्वाद नहीं आता है। और लास्ट में यहाँ मैंने गरम मसाला भी यूज किया है, थोड़ा सा टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, तो आप लोग भी अगर चाहो तो यूज कर सकते हो। और यहाँ मैंने स्टफिंग को निकाल लिया था प्लेट में और ठंडा भी कर लिया था। अब जो भी सारे परवल के जो बीज खाली थे, जो निकाले थे, तो उस बीज की जगह ये मसाले को फिल कर देना है। तो ऐसे ही सारे परवल को आपको फिल कर लेना है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. यहाँ सारे परवल फिल हो चुके हैं, अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्राई करने, और ज़्यादा आपको तेल यूज नहीं करना है, थोड़ा सा तेल यूज करना है, नहीं तो जो भी आपने स्टफिंग फिल किया है वो सारे बाहर निकल के आ जाएंगे।
तो आप लोग देख ही रहे हो कि मैंने कितना थोड़ा सा लिया है और इससे भी कम ऑयल में बन सकता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज कर लिया है और आप लोग देखो कैसे कलर चेंज हो गया। और इसको चारों तरफ घुमा घुमा के पकाना है और आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कैसे पका रही हूँ। और चारों तरफ इसे अच्छे से आपको कलर कर लेना है। कलर मीन्स गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ अब ये पक चुका है। इस तरह आपको बहुत सावधानी से और धीरे धीरे करना है। अगर जल्दबाजी आप करोगे तो ये सारा खराब हो जाएगा। आपको पेशेंस रख के अच्छे से पकाना है और बिल्कुल ही जैसे आप देखो जो मैंने यहाँ तो फास्ट कर दिया है, कम से कम मुझे इसमें आधे घंटे लगे थे, 30 मिनट लगे थे इसे बनाने में, केवल फ्राई करने में। तो आप लोग देखो कैसा बना है और बताना जरूर आप लोग। यहाँ हमारा भरवा परवल बन के रेडी हो गया है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फिर बताएं कमेंट सेक्शन में कि न्यू वीडियो आपको क्या चाहिए, तो मैं न्यू रेसिपी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और चलिए मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।